नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस साल के पद्म पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें देश की कई हस्ती और महान लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। इसी के साथ उत्तराखंड के दो गौरवों को भी इस साल पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें से एक CDS विपिन रावत को ये पुरस्कार मिला, तो वहीं दूसरा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली बसंती देवी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस साल के पद्म पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें देश के कई हस्ती और महान लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। इसी के साथ उत्तराखंड के दो गौरवों को भी इस साल पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, जिनमें से एक CDS जनरल विपिन रावत को यह पुरस्कार मिला, तो वहीं दूसरा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली बसंती देवी को मिला। बता दें कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत को 21 मार्च को पद्म विभूषण दिया गया, जिसे उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी ने प्राप्त किया। वहीं बीते दिन उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों और नदी को बचाने के लिए अपना योगदान देने वाली बसंती देवी को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। श्रीमती बसंती देवी, समाज सेवा।